शहद निकालने की इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावी और उत्पादक बनाने के लिए इन महिला किसानों को नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके तहत शहद निकालने के सुरक्षित तरीकों के अलावा मधुमक्खी पालन के नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। इन कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हनी एक्सट्रैक्शन का था, तो हनी एक्सट्रैक्शन जो होता था, जो शहद को निकाला जाता था, वो बहुत ही उस परंपरागत तरीके से निकाला जाता था, और उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ब्रूड जो है उसमें मर जाते थे। तो अगर आप ब्रूड को मार देंगे तो आपकी कॉलोनी वीक होंगी, आप नेक्स्ट ईयर आपका प्रोडक्शन अफेक्ट करेगा। तो इसको हनी एक्सट्रैक्शन जो है वो हमने उसको इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको लोगों को करना सिखाया। इसके बावजूद कि मधुमक्खी पालन में बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती, इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता देने की भी पहल की गई है, जिससे उन पर इसका अतिरिक्त बोझ न पड़े। माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था उषा मठ महिला महासंघ UMM ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। बीकीपिंग की अगर मैं बात करूं तो बीकीपिंग में टोटल हम लोगों ने अभी लगभग 40 लाख हम लोगों ने डिस्पर्समेंट किया है जो बीकीपर्स हैं उनके लिए। इसमें हम लोगों ने जो लोन जो प्रोडक्ट हम लोगों ने फिक्स किया है उसमें 15,000 का हम लोगों ने लोन प्रोडक्ट फिक्स किया है। 15,000 में हम लोगों ने दिया है कि एक बीकीपर्स 4 से 5 बी बॉक्स उसमें खरीदेगा, साथ ही जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं, दस्ताने होते हैं, बी बेल्स होता है, स्वाम बैग्स होता है, ये सब चीज़ें मिलाकर के हम लोग ने प्रोडक्ट फिक्स किया हुआ कि 15,000 का हम लोग बीकीपर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। रिकवरी रेट की अगर मैं बात करूँ तो रिकवरी हमारा मोर देन 96% रिकवरी है, क्योंकि हम लोग जो पैसा देते हैं, जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स को नहीं देते, हम लोग ग्रुप के थ्रू जो महिला होती है, जो मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। तो उसमें जो ग्रुप गारंटी जो होती है वो कहाँ पे काम करती है। पहाड़ों में वैसे तो हमेशा से महिलाएं परिवार की अर्थव्यवस्था की धुरी रही हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के इस प्रशिक्षण और बाजार से उनके जुड़ाव ने इन महिलाओं के आत्मविश्वास को नया अर्थ दे दिया है। बेसिकली महिलाएं इसको करती आ रही थी, लेकिन उनको एक दिशा और निर्देश की नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने एक संगठनात्मक रूप में उनको प्रोड्यूसर ग्रुप बना करके उनके ही बीच, हमारा उद्देश्य भी ये था कि महिलाओं को ही आगे बढ़ाएं। और इसीलिए मार्केटिंग की थोड़ी सी मदद मिलते ही इन महिलाओं ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनका आत्मविश्वास, इनकी निष्ठा और इनका स्वावलंबन इस बात का सबूत है कि अपने देश का किसान, चाहे महिला हो या पुरुष, बाजार का सहारा मिलते ही उसकी क्षमताओं में पंख लग जाते हैं। तभी तो उत्तराखंड के पहाड़ों से महिला उत्पादकों द्वारा निकाला गया ये ऑर्गेनिक शहद देश भर के बाजारों में अपनी जगह आसानी से बना रहा है। नॉर्थ इंडिया में ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार और हिमाचल, साउथ में हमारा चेन्नई एक मार्केट है, बेंगलोर मार्केट है, जहाँ पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो हमने अपॉइंट किए हुए हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ये सामान रिटेलर्स के पास जाता है, रिटेलर्स के पास फिर इसको एंड कस्टमर के पास हमारा देवभूमि ब्रांड के नाम से शहद पहुँचता है। मैदानी लोगों को शायद कुछ हजार रुपयों की इस अतिरिक्त आमदनी का महत्व ठीक से समझ में ना आए, लेकिन पहाड़ों में जहां रोजगार के साधन बहुत सीमित होते हैं और जिसके कारण वहां आजीविका के तौर पर अतिरिक्त कमाई का कोई भी साधन एक परिवार की अर्थव्यवस्था में चमत्कारिक बदलाव लाता है, खास तौर पर जब ये आमदनी सीधे घर की महिलाओं के हाथ में आ रही हो। जाहिर है इसके परिणाम अर्थव्यवस्था की सीमाएं लांघकर सामाजिक ताने बाने पर भी साफ दिखने लगते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के 5 जिलों में करीब 4,000 परिवार ऐसे हैं जहां मधुमक्खी के इन्हीं छत्तों से उस परिवार के आमदनी का एक अहम हिस्सा आता है। खास बात यह है कि उस घर के महिलाओं की ही पूरी जिम्मेदारी मधुमक्खी पालन से लेकर और इसका मधु निकालने तक की होती है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी जो मधुमक्खियों के पालने से शुरू होती है, ये अंत होती है इन मधुमक्खी के शहद की मार्केटिंग से जो पूरे देश में बिकती हैं और उनका वो हिस्सा, आमदनी का वो हिस्सा उन महिलाओं को ही वापस आकर मिलता है। मंडी.com के लिए उखीमठ से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।